नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। पंजाब केसरी के इस स्पेशल सेगमेंट स्टेट मिरर में हम बात करेंगे दिन भर की उन तमाम खबरों की जिनका सीधा सरोकार है आपसे। सूत्रों के मुताबिक में होने वाली यात्रा के दौरान राहुल और प्रियंका से मुलाकात कर दिल्ली आए वेणुगोपाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से राजनीतिक संकट पर चर्चा की बन गई है। उसके बाद वेणुगोपाल की 29 नवंबर को जयपुर की आगामी यात्रा तय हुई। जानकारी के अनुसार अपने जयपुर दौरे के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे से राजनीतिक संकट पर चर्चा की। उसके बाद वेणुगोपाल की 29 नवंबर को जयपुर की आगामी यात्रा तय हुई। जानकारी के अनुसार अपने जयपुर दौरे के दौरान वेणुगोपाल भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान चरण के लिए गठित समितियों की बैठक करेंगे, जिसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि इस दौरान वह दोनों से अलग अलग बात कर मसले का हल निकालने की भी कोशिश करेंगे और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसी भी तरह की बयानबाजी या अनुशासनहीनता से दूर रहने की कड़ी चेतावनी भी देंगे। राजस्थान में गहलोत पायलट कैंप में जो तलवारें खींची थी अब मानने में जाती दिख रही है, या यूं कहें कि फिलहाल सभी युद्ध विराम की मुद्रा में आ चुके हैं। गहलोत गुजरात प्रभारी होने के नाते अपनी जिम्मेदारियां संभालने वहां एक्टिव हो गए हैं, तो वहीं पार्टी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा राहुल गांधी के स्वागत की तैयारी का जायजा लेने झालावाड़ में डेरा डाले हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी खुद सड़कों पर है तो केंद्र की मोदी सरकार ने जो धोखा किया उसके विरोध में होगा। राजस्थान में गहलोत पायलट कैंप में जो तलवारें खींची थी अब मयान में जाती दिख रही हैं, या ये कहें कि फिलहाल सभी युद्ध विराम की मुद्रा में आ चुके हैं। गहलोत गुजरात प्रभारी होने के नाते अपनी जिम्मेदारियां संभालने वहां एक्टिव हो गए हैं, तो पार्टी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा राहुल गांधी के स्वागत की तैयारियों का जायजा लेने झालावाड़ में डेरा डाले हुए हैं। सचिन पायलट ने पलटवार के बाद फिर खामोशी ओढ़ ली है। कल तक सत्ते में आए नेताओं के बयानों की दिशा भी अब भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रित हो गई है। देखिए क्या कह रहे हैं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। कांग्रेस के साथ कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के ऊपर है, क्योंकि महंगाई गरीबी बेरोजगारी को दूर करने के लिए, नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए, केंद्र की मोदी सरकार के जुल्म और धोखे का जवाब देने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा पर राहुल गांधी निकले हैं। राजस्थान में राहुल गांधी का जबरदस्त स्वागत होगा और ये मानकर चलना, आप खुद इस बात को जानते हैं, आज यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, उसमें भी युद्ध विराम होता है 10 दिन के लिए। राजनीति में जब राहुल गांधी किसी प्रदेश में जाते हैं तब पॉलिटिकल कंपटीशन पे ब्रेक देकर सिर्फ एक ही काम है, ना कुर्सी का झगड़ा होगा, ना नेता का झगड़ा होगा, ना प्रेस्टीज का झगड़ा होगा, सिर्फ झगड़ा होगा कांग्रेस का केंद्र की मोदी सरकार से, केंद्र की मोदी सरकार ने जो धोखा किया उसके विरोध में होगा। राजनीति में मैं सब नेताओं से इतना कह सकता हूं, सब नेता इस बात को समझते हैं, कांग्रेस चलेगी, हमारा नेता चलेगा तो हम सब मजबूत होंगे। आज कांग्रेस का काम राजस्थान में बहुत जबरदस्त है और ये जो पॉलिटिकल जितना भी चल रहा है ये सब ब्रेक लग जाएगा जब युद्ध चालू हो जाता है। इस वक्त राहुल गांधी खुद सड़कों पर है और ये सारे के सारे अब भारत जोड़ो यात्रा में लग गए हैं। युद्ध विराम हो गया है, ऐसा जो कंपटीशन है ये कंपटीशन नहीं चलेगा। खुद वेणुगोपाल जी आ रहे हैं, हमारे कुछ लीडर्स के जो बयान आए हैं वो बयान, जब राहुल गांधी सड़क पर आ गया है तो हम सब राहुल गांधी के पीछे चलेंगे और सारे बयान रुक जाएंगे। केवल राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये गहलोत और पायलट की मूंछ की लड़ाई है, इनके ईगो में राजस्थान की जनता दो पार्टों में पिस रही है, एक गद्दी से हटना नहीं चाहता और दूसरा गद्दी को लपकना चाहता है, दोनों की अमर्यादित और स्तरहीन लड़ाई में राजस्थान के विकास को ठप कर दिया है। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये गहलोत और पायलट की मूंछ की लड़ाई है, इनके ईगो में राजस्थान की जनता दो पार्टों में पिस रही है, एक गद्दी से हटना नहीं चाहता और दूसरा गद्दी को लपकना चाहता है, दोनों की अमर्यादित और स्तरहीन लड़ाई ने राजस्थान के विकास को ठप कर दिया है। जब से सरकार बनी है तब से कुर्सी को लेकर लड़ाई जारी है, इनका यह बवाल चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। गहलोत ने पायलट को नकारा कहा, निकम्मा कहा और अब गद्दार करार दिया।
वहीं कांग्रेस के दिल्ली हाईकमान आपसी बयानबाजी पर रोक की बात कह रहा है, लेकिन जंग इतनी बढ़ गई है कि ये ना रुकने वाली है और ना ही इसे कोई रोकने वाला। किरोड़ी ने कहा कि किसी में हिम्मत नहीं कि इस जंग को कोई रोक दे। वहीं गहलोत ने जो रुपए लेने के आरोप लगाए हैं ये वही जाने, और अब गहलोत को जनता के सामने रुपए लेने के सबूत प्रस्तुत करने चाहिए। किरोड़ी ने कहा कि पूर्व में गहलोत और पायलट ने कहा था कि मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, लेकिन 2023 में ये राजस्थान की जनता बताएगी कि किसका बाल टूटेगा। बाड़मेर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ पर धौरीबन्ना थाना क्षेत्र में हवस के भूखे भेड़िए ने एक दलित मुखबधिर युवती को निशाना बनाया। बोलेरो गाड़ी में आए बदमाशों ने उसे सुनसान जगह ले जाकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं परिजनों ने पीड़ित युवती को खून से लथपथ अवस्था में धौरीबन्ना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। बाड़मेर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ पर धौरीबन्ना थाना क्षेत्र में हवस के भूखे भेड़ियों ने एक दलित मूक बधिर युवती को निशाना बनाया। बोलेरो गाड़ी में आए बदमाशों ने उसे सुनसान जगह ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं परिजनों ने पीड़ित युवती को खून से लथपथ अवस्था में धौरीबन्ना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर अस्पताल में भर्ती पीड़िता से मुलाकात की और डॉक्टर से उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। धौरीबन्ना में रिपोर्ट हमें मिली एक मुखबिर बच्ची के साथ बलात्कार बलात्कार का प्रयास किया गया, तो उसको देखते हुए बच्ची से मिले और मौके की कार्रवाई के लिए एसएचओ साहब को बताया, बोर्ड से मेडिकल कराएंगे बिल्कुल चीजें क्लियर करने के लिए कि एग्जैक्टली क्या क्या रहा है और इंसिडेंट जो भी रहा उसके एक्यूज जो है वो शीघ्र पकड़ में आ जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। अभी तलाशी के लिए कितने टीमें गठित की है, किस तरीके से? 4 टीमें लगी हुई हैं ढूंढने के लिए। उसके अलावा एक्चुअली मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो हम बोर्ड से मेडिकल करवाएंगे, डॉग स्क्वाड वगैरह बुला रही हैं और बाकी टेक्निकल जो टीम है वो भी बुलाइए, और 4-5 टीमें भी लगी हुई हैं और लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। इंसिडेंट थोड़े समय पहले का ही है, तो जैसे जैसे समय आ रहा है वैसे हम और साधन इसमें लगा रहे हैं संसाधन। युवती के पिता ने धौरीबन्ना थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी मूक बधिर बेटी MRT रोड के पास शाम को अपने खेत में ही बकरियां चरा रही थी। इस दौरान बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आए बदमाश युवती का मुंह दबाकर पास में वन विभाग के एरिया में लेकर चले गए। वहां उसके साथ बदमाशों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और जगह जगह से युवती को नोच डाला, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। उसके बाद आरोपी बोलेरो में सवार होकर वहां से फरार हो गए। युवती के घर नहीं पहुंचने पर परिजन युवती को ढूंढने लगे तो युवती वन विभाग के एरिया में लहूलुहान और बेहोशी की हालत में मिली, जिसके बाद परिजनों ने उसे धौरीबन्ना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बांसवाड़ा में खराब एम्बुलेंस से मरीज की मौत का मामला उठाते हुए इसे राजस्थान में मौजूदा सरकार की हालात से जोड़ा है। सतीश पूनिया ने कटाक्ष किया कि खुद सरकार की हालात खराब एम्बुलेंस जैसी हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में केवल एम्बुलेंस की हालत खराब नहीं है, कांग्रेस की भी एम्बुलेंस जैसी है, वो धक्के से ही चल रही है, तो धक्के वाली सरकार की मौत कब हो जाए कोई नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बांसवाड़ा में खराब एम्बुलेंस से मरीज की मौत का मामला उठाते हुए इसे राजस्थान में मौजूदा सरकार की हालात से जोड़ा है। सतीश पूनिया ने कटाक्ष किया कि खुद सरकार की हालात खराब एम्बुलेंस जैसी हो गई है, जनता त्रस्त है। कि सरदार शहर की जनता अब बदलाव चाहती है और उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा जन समर्थन देखने को मिला। सर, आज एम्बुलेंस के अभाव में एक व्यक्ति ने दम तोड़ डीजल खत्म हो जाता है। राजस्थान में केवल एम्बुलेंस की हालत खराब नहीं है, कांग्रेस की भी एम्बुलेंस जैसी है, वो धक्के से ही चल रही है, और एम्बुलेंस के धक्के लगाने से मरीज की मौत हो गई, तो धक्के वाली सरकार की मौत कब हो जाए कोई नहीं कह सकता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। राजस्थान से जुड़ी तमाम दिलचस्प खबरों के लिए हमारे फेसबुक और YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। देखते रहिए पंजाब केसरी।